सुरू नये, जेणेकरून इतर नागरिकांना त्याचा त्रास होईल। हातगाडीवाले व पत्रकारवाले यांनी रस्त्यात कोणीही थांबून गर्दी करू नये। संशयित वस्तू अथवा संशयित इसर आढळून आल्यास तो दोस्तों आज मैं हूँ पुणे सिटी में और पुणे सिटी का सबसे बड़े गणपति डंगरू सेठ गणपति वो दिखाने वाला होगा गाइस। तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये है डंगरू सेठ गणपति गाइस, जो सामने मंदिर आपको दिख रहा है पुणे का सबसे बड़ा मंदिर डंगरू सेठ गणपति गाइस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गणपति यही है दोस्तों। और पुणे शहर कराएंगे हम लोग आपको और मार्केट वगैरह भी दिखाएंगे पुणे का किस तरह मार्केट है। और ये पूरा पुणे का मार्केट गाइस देख सकते हैं पूरा सजा हुआ है। ये डंगरू सेठ गणपति के बाजू में देख सकते हो पूरी भीड़ लगी हुई यहाँ पे गाइस। मार्केट देख सकते पुणे का कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है मेरे गाइस और भीड़ बहुत ही ज़्यादा लग रही है दोस्तों। और ये लिख रहा है डंगरू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। तो ये डंगरू सेठ हलवाई गणपति मंदिर गाइस। और यहाँ पे देख सकते बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है मेरे को, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है गाइस। चलने का भी जगह नहीं, ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे। तो आज हम पूरा पुणे शहर एक्सप्लोर करेंगे गाइस। गुरुवार पेट, बुधवार पेट, बहुत सारे ऐसे पेट आएंगे, रविवार पेट दोस्तों। दो मार्केट है मेन में, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गाइस। और पुणे के सबसे फेमस मार्केट है ये वाला गाइस, डंगरू सेठ गणपति। और यहाँ से हम आगे चलेंगे लक्ष्मी रोड आ जाएगा, जो सबसे मेन मार्केट लगता है वहाँ पे गाइस। और आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है यहाँ पे और ट्रैफिक जाम भी हो रहा था, देख सकते गाइस पूरा। तो वाइस डंगरू सेठ गणपति बहुत ही फेमस गणपति है पुणे सिटी का गाइस। यहाँ पे गणपति विसर्जन समय यहाँ पे इतना भीड़ लगता गाइस, ये वाला रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है, यहाँ तक पूरा भीड़ ही भीड़ लगता है। यहाँ पे पंडाल वगैरह भी लगता है। अभी ये देख सकते बहुत सारी दुकानें वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, ये पूरा मार्केट है पुणे का गाइस। आप जस्ट स्टेशन आओगे, स्टेशन से लगभग 2-4 किलोमीटर पड़ता है ये वाला मार्केट पूरा पुणे का। यहाँ से मेन सिटी शुरू हो जाती है पुणे की गाइस। ये पूरा मार्केट है, आगे भी होलसेल मार्केट भी आपको मैं दिखाऊंगा पूरा। तो ये देख सकते पूरा ये मार्केट है पुणे सिटी का। यहाँ पर कुछ त्यौहार वगैरह है तो इस कारण दीपावली के समय पूरा लगा हुआ है ये वाला, देख सकते गेट वगैरह में। और ये पूरा मार्केट है, फुटपाथ पे लोग देख सकते किस तरह से बेच रहे हैं यहाँ पे गाइस। तो लोग देख सकते हर जगह पैसे कमा रहे गाइस। फुटपाथ पे भी आप देखोगे तो इनका किराया रहता है 12-12 हज़ार गाइस। मैंने देखा यहाँ पे लक्ष्मी रोड पे साइड आप जाओगे तो फुटपाथ पे भी किराया होगा 12-12 हज़ार दुकान पे लगी हुई है साइड पर दोस्तों। तो वो भी समथिंग 50,000 के आठ पर दिन का इनकम करते हैं वहाँ पे फुटपाथ पे गाइस। तो देख सकते फुटपाथ पे कैसा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, लाखों रुपये कमाते फुटपाथ पे भी गाइस, ऐसा नहीं है, ये भी बिजनेस होगा। तो गाइस ये है, अरे भाव एक्सीडेंट मरवाएगा क्या। इधर चल आगे चलते। नागरिकांना वारंवार सूचना करण्यात येत आहे की रोड क्रॉस करताना सिग्नलचा वेट करायचा आहे, परत त्याच्यामधले तुम्ही चल कटे साहब वालो मैं तो इसी पढ़ाई हूँ, मैं तो इसी पढ़ाई हूँ।
सिटी ब्लॉग है इस सिटी पुणे सिटी। Yes.